जो जल जंगल जमीन की रक्षा करेगा। जंगल रहेगा तो शुद्ध वायु हमको मिलेगा, जो जंगलें काट देगा उसको वोट देके क्या करेंगे भाई। दूसरे न्यू पार्टी को चांस देना चाहिए हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए। अभी इस वक्त हम धुरवा विधानसभा क्षेत्र में है, यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी राम कुमार पहान मैदान में है, वहीं वर्तमान विधायक राजेश कश्यप कांग्रेस की तरफ से मैदान में है। खिजड़ी के वोटर किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट से कितने खुश हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं आप लोग बताइए। क्या नाम है पहले तो आपका? इसके राय। वोट कर दिया आप, क्या मुद्दा रहा सबसे जो वोट करने से पहले दिमाग में घूम रहा था? वोट करने से पहले तो दिमाग में ही घूम रहा था कि लोकतंत्र की रक्षा हर हाल में होनी चाहिए, लोकतंत्र रहेगा तो विकास होगा। ठीक है, तो लोकतंत्र की रक्षा अभी नहीं चल रही को ही मजबूत करने के लिए हम लोग मतदान कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछिए तो उसका भी उत्तर दे रहे हैं आपको। कैसे मजबूत होगा, मान लीजिए वोटिंग तो सभी को करते हैं, लेकिन क्या अभी खतरे में चल रहा है? खतरे में चल रहा है लोकतंत्र? आपको क्या लग रहा है? नहीं चल रहा है। सारी संवैधानिक संस्थाओं को जो है एक प्रकार से आधिपत्य किया जा रहा है, उस पर जनतंत्र बचा कहाँ है? इसलिए मतदान हम लोग जनतंत्र की रक्षा के लिए कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कैसे कैसे तय कर रहे हैं कौन सी पार्टी कौन सा कैंडिडेट उसकी रक्षा करेगा? जो झारखंड के विकास के लिए काम करेगा, जो जल जंगल जमीन की रक्षा करेगा। जंगल रहेगा तो शुद्ध वायु हमको मिलेगा, जो जंगलें काट देगा उसको वोट देके क्या करेंगे भाई, बोलिए। जंगल रहेगा तभी ना पर्यावरण शुद्ध रहेगा। तो कौन सी ये मुद्दे कौन सी पार्टियां उठा रही हैं और इन मुद्दों को उठाया भी जा रहा है या नहीं? जैसे ये तो देखिए अपना अपना देखने का दृष्टि है, हम जिस दृष्टि से देखते हैं आप दूसरे दृष्टि से देखेंगे, दूसरे दृष्टि से देखेंगे, सबकी अपनी दृष्टि है। मेरी अपनी जो दृष्टि है उस दृष्टि के अनुसार मैंने अपना मत का प्रयोग किया। मेरा वोट करने का आधार रहा कि कैसे झारखंड और सुख विकास हो, और जैसे कि अभी परीक्षाएं हुई तो उसमें कैसे पेपर ऊपर जो लीक हो गया ना, लीक करवाया गया वो बीजेपी द्वारा करवाया गया। यही सब मतलब मुद्दा को लेकर के मैंने तो बीजेपी विपक्ष में वो पेपर भी लीक करवा देना स्टेट का, क्योंकि वो एक दावा किया था ना एक नेता यूपी का कि मैं सारा पेपर लीक कराता हूँ, बीजेपी का एक नेता दावा किया था, उसी को लेकर के हम मतलब किए हैं। तो आप मन बना लिए कि झारखंड में भी वही हुआ होगा? झारखंड में वही हुआ होगा, वो डायरेक्ट बोला कि मैं ऑल ओवर इंडिया में कराता हूँ पेपर लीक, उसने डायरेक्ट बोला था, बीजेपी के एक नेता थे। तो आपने उसी के आधार पे मन बनाया? हाँ, उसी के मन आधार पे बनाया कि इस बार झारखंड में जो भी परीक्षा अच्छा से हो, इसलिए इस बार अपना वोट सही जो मेरा अच्छा मतलब मन है उसमें वोट देना है। क्या नाम है आपका? अनन्या। फर्स्ट टाइम वोटर है? यस। तो क्या आपको इंस्पायर करता है कि वोट करने के लिए आ गए? क्यों वोट करना है? क्योंकि हमें सही पार्ट ये सही चुनना है ये गवर्नमेंट, सो इसीलिए। अच्छा, ये स्टेट में किसी गवर्नमेंट है मालूम है अभी कौन सीएम है? हाँ, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन सीएम है। तो कुछ लगता है कि गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? अभी हम लगता है कि हेमंत सोरेन को डिस्प्ले कार्ड वहाँ से हटाने चाहिए और दूसरे न्यू पार्टी को चांस देना चाहिए हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए। देश के डेवलपमेंट के लिए दूसरे न्यू पार्टी को? अच्छा, तो घर से बताया जाता है क्या पॉलिटिक्स में किसको वोट करना है क्या, कि खुद से आप लोग कैसे तय करते हैं किसको अच्छा कौन अच्छा है? घर में भी बोलते हैं कि जैसे कि बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को वोट मत दो, ऐसे लाइक मोहल्ले में भी बहुत कोई बोलते हैं। अच्छा,